तो आप देख सकते हैं कि हमारे उत्पम बनके तैयार हैं। ऐसे करके इसको नमस्ते दोस्तों, टेस्टी हेल्दी फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे नाश्ते के बारे में अक्सर हम सर्च करते हैं कि कैसे झटपट नाश्ता हम आसानी से घर में कम सामग्री में रेडी कर लें, तो मैं उसी सोच के साथ आपके लिए झटपट और बहुत ही कम सामग्री में बनने वाला नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ मैंने चावल के उत्पम रेडी किए हैं। इसके लिए ना हम चावल को भिगो के रखेंगे, ना इसको हमें खमीर उठाना है, कुछ भी नहीं करना है। बस सिंपल तरीके से हम इसे झटपट 10 से 15 मिनट बना के रेडी कर देंगे और यकीन मानिए खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो आप वीडियो को पूरा और अंत तक देखिए कि ये मैंने उत्पम कैसे रेडी किए हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उत्पम बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कटोरी चावल लिए हैं, जो मैंने अच्छे से इनको धो लिया था और लगभग आधे घंटे के इनको गलाने के लिए छोड़ दिया था। तो ये हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब हम एक मिक्सी के जार में चावलों को पीसेंगे, डाल देंगे इसके अंदर। और हम इसमें हम मैंने दो हरी मिर्ची और 5 से 6 लहसुन की कलियां इसमें डाल देंगे हम, जब हम इसको पीसने के टाइम पर। और इसमें हमको दही ऐड करना है, तो मैं एक कटोरी चावल लिए हैं, तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी दही लिया है। अभी तो हम इसमें 2 चम्मच दही डाल के इसको अच्छे से पीस लेते हैं, और पीसने टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे पानी की जगह पे दही डालेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने ये पेस्ट बना लिया है अच्छे से। तो हमें इसका ना एकदम महीन पेस्ट बनाना है, क्योंकि चावल हमारे गले हुए हैं तो ये अच्छे से पकेंगे अगर महीन पेस्ट बन जाएगा तो। तो इतना दही हम इसमें और डाल देते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ये काट के रखी है, जैसे मैंने टमाटर, गाजर, हरा धनिया और प्याज। सब्जियाँ आप और चाहें तो इसे कैप्सिकम वगैरह अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़े से टमाटर इसमें डाल देंगे, थोड़े से बचा लेंगे जो हम बाद में ऐड करेंगे उत्पम में। थोड़ी सी प्याज, हरा धनिया, गाजर, नमक डालेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा जीरा डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैंने फ्रेश दही का यूज किया है। आप चाहें तो हल्का सा खट्टा हो और फ्रेश दही रहेगा तो हमारे उत्पम बहुत अच्छे बनेंगे। ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए दही को। देखिए, ये हमारा बैटर ऐसा रहना चाहिए। अब हम इसमें इनो ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इनो इसमें ऐड कर देती हूँ। इनो की जगह पर आप चाहें तो बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं 1 चम्मच। चलिए, अब हम उत्पम को पकाते हैं। यहाँ पर हमारा पैन गरम हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और यहाँ हम थोड़े से तिल के दाने ऐड करेंगे। इससे क्या हमारे उत्पम का ऊपर से अच्छे से कलर आ जाएगा और तिल देखने में भी अच्छी लगेगी। तो हम इसमें बैटर डाल देंगे। अब यहाँ पर जो हमने ये प्याज टमाटर बचाए थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, जिससे कि हमारे उत्पम क्या देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। अब हम इसको ढक देते हैं, जिससे कि हमारा उत्पम नीचे से अच्छे से पक जाए। अब हम चेक करते हैं, ऊपर की साइड हम हल्का सा 1-2 बूंद तेल और डाल देंगे इसमें। इसको उठाएंगे, देखिए कितनी आसानी से उठ गया है। और इसको ऐसे कर देंगे और ढक देंगे।
सा ऑयल और हम लगा लेते हैं इसके ऊपर। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। इनको पकने के लिए हमें 1 मिनट छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि ये हमारी सब्जियां और ये अच्छे से नीचे से अच्छे से पक जाएं। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको हमारा उत्पम बन के तैयार है। हम एक प्लेट में इसको ऐसे करके हम और उत्पम रेडी कर लेते हैं। इसको खाइए, मस्त जल्दी झटपट बनने वाली हमारी रेसिपी है। आप इसको बच्चे और बड़े सब लोग इंजॉय करेंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ज़रूर अपने घर में बनाएंगे। दोस्तों, हमारे चावल के उत्पम बन के तैयार हैं और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए साथ में बेल आइकन भी दबाएँ। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।